हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की, क्योंकि अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, वो है हमारी आरटीआई का रिप्लाई। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग एक आरटीआई पहले डाली गई थी, जिसमें केवीएस ने जो रिप्लाई दिया था वो दिया था कि अभी हम आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था वो सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था, इसलिए हम अभी सूचना नहीं दे सकते। लेकिन अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, वो आई है आरटीआई का रिप्लाई, जिसमें केवीएस ने जो बताया है नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या पीआरटी लेवल में और पीआरटी म्यूजिक में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पीआरटी में जो हमारे ओबीसी की संख्या रही थी वो रही थी 248,525, लेकिन अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो 169,676 संख्या थी। जितने भी बच्चों का एडमिट कार्ड आया था, दिया गया था केवीएस की तरफ से पीआरटी लेवल में, उतने की ही संख्या को दिखाया गया है। ये वो बच्चे नहीं है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था, मतलब कि ये है कि जितने लोगों का एडमिट कार्ड को जारी किया गया था उतने की संख्या केवीएस के द्वारा बताई गई है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने बच्चे थे, तो 51,393, एससी कैटेगरी में तो 6,500 और एसटी में है हमारे 2,268 लोग। तो ये है हमारी टोटल संख्या, क्योंकि काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, तो केवीएस ने अभी अभी इस बात की सूचना दे दी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिंड है, क्योंकि सबसे पहले टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर प्रोवाइड करता है, तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो है मोस्ट अवेटेड रिजल्ट, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट हमारा कब तक डिक्लेयर्ड होगा। तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अब जैसे ही हम लोगों को पता लगा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कितनी है, तो आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो हमारा जो अनुमान है वो ये है कि अप्रैल बिल्कुल एंड में, अनुमान अब कम लग रहा है कि अप्रैल के एंड में दिया जाएगा, लेकिन जो भी है मई के फर्स्ट वीक में आपको पूरे पूरे चांसेस हैं कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको सूचना अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।